ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धाकड़ वोटों को साधने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करने रतनगढ़ आ रहे हैं। सीएम का यह चुनावी दौरा 17 नवंबर को होगा। जावद विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ वोटों को साधने प्रदेश के मुख्यमंत्री और धाकड़ नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 नवंबर को रतनगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा के समर्थन पर जनता से वोट मांगेंगे। जावद विधानसभा क्षेत्र धाकड़ बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में करीब 40,000 धाकड़ वोट हैं जो हार जीत तय करते हैं। इसी लिहाज से इस विधानसभा क्षेत्र से धाकड़ नेता समंदर पटेल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर धाकड़ वोटों का बंटवारा होता है तो बड़ा नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि धाकड़ समाज भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी धाकड़ है और धाकड़ वोटों को साधने के लिए वे जावद आ रहे हैं। जिले में मुख्यमंत्री की पहल सभा जावद में हो रही है। मुख्यमंत्री श्री सिंह सुबह 10 बजे रतनगढ़ पहुंचेंगे और जनता के बीच जाकर बात करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा के मुताबिक बताया गया है कि मुख्यमंत्री चौहान के मार्गदर्शन और संयोग से 15 वर्षों में जावद विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब जावद क्षेत्र को समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने नए संकल्प तय किए हैं। इसी अभियान को मतदान और समर्थन से संबल प्रदान करने का अनुरोध करने मुख्यमंत्री दिनांक 17 नवंबर शनिवार को सुबह 10 बजे रतनगढ़ में जनता के बीच